हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए एक स्ट्रीट फूड लेके आई हूँ, वो भी ग्वालियर का। ग्वालियर के पास एक ये विलेज है रजापुर, इवन बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो में। और रास्ता भी बड़ा अच्छा है, आप आराम से आ सकते हैं। अगर आप कभी आएँ तो ये डिश आप ज़रूर टेस्ट करें। ये इनका कहना है कि एक करेला होता है और एक पापड़ की तरह होता है, बट करेला इनको इस डिश को इन्होंने नाम दिया हुआ है। और उसको एक ही मीठी चटनी में डिप करके और उसको अच्छे से डिप करेंगे और उसको तोड़कर एक दोनी में डालकर ये एक चाट बनाते हैं, वो देखेंगे। और इसमें कौन कौन से मसाले यूज़ करेंगे वो सारी इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। ये इन्होंने पूरा का पूरा चाशनी में ये डिप कर लिया है, मीठी चटनी जिसको हम कहते हैं सोट कहते हैं उसके अंदर ये डिप किया हुआ है। और इसमें ये इन्होंने डाला है चिंकी चाट मसाला और साथ में डाला है सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डाला इन्होंने गरम मसाला, काली मिर्च। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है ड्राई पीस जो इसमें डलेगी। चलो देखते हैं। और इसमें इन्होंने ऊपर से डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज और ऊपर से हरी डाली हरी मिर्च और कुछ डाले अनार के दाने और ग्रेट कर दिया इन्होंने पनीर। और देखने में कितनी सुंदर लग रही है, टेस्टी भी बहुत है। और ऊपर से इन्होंने डाल दिए जो मटर के छोले होते हैं, ड्राई पीस जिसको कहा जाता है, सूखी मटर जो होती है उसको बॉयल करके इन्होंने इसके अंदर डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर और साथ में इन्होंने डाली है लाल चटनी जिसको हम सौंठ कहते हैं और हरी चटनी। और बस हमारी ये चाट बनकर रेडी। और ऊपर से इन्होंने डाल दिया थोड़ा सा गोलगप्पे की कुछ पापड़ी होती हैं जो इन्होंने क्रंच करके डाल दी है और ऊपर से डाली है फ्रेश दही। वाओ, क्या चाट बनकर रेडी है। अगर आपको इस तरीके की चाट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। बाय।